नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रामायण टेक बैंकिंग YouTube चैनल में। जैसा कि दोस्तों आपको मालूम है, मैं अपने YouTube चैनल में लगातार आपके लिए बैंकिंग अपडेट, CSP अपडेट, टिप्स एंड ट्रिक, अदर हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन लेके आता रहता हूँ, जो आपके लिए समय समय पर बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होती है। दोस्तों आज की जो वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, जैसा कि आपने थंबनेल पे देख रखा है कि अब नहीं चलेंगे 2000 के नोट। जी हाँ, जैसे पहले 500 और 1000 का नोट बंद कर दिया था, उसी तरीके से सरकार अब 2000 का नोट भी बंद करने वाली है। तो ठीक, जैसा कि आपने थंबनेल में देख रखा है कि हाँ जी, आपको अब परेशानी होने वाली है, और यदि आपके पास 2000 के नोट हैं तो जल्द से जल्द उन 2000 के नोटों को आप बैंक में जाके बदल सकते हैं या अपने अकाउंट में जमा करवा सकते हैं। क्या है पूरा मामला, वो सारा कुछ मैं आपको इसी वीडियो में बताऊँगा, और तब तक बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। और वीडियो अच्छी लगी तो आप एक लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से वीडियो को शेयर करें। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, नोटबंदी के दौरान आप सरकार के द्वारा जब 500 और 1000 का नोट बंद किया गया था, उसके बाद सर्कुलेशन के बाद 500 रुपये का नोट आ गया, लेकिन 1000 रुपये का नोट बंद करना है, 2000 का नोट चालू किया था। लेकिन 2000 का नोट चालू करने से काफ़ी प्रॉब्लम आने लगी, क्योंकि लोग इसमें ज़्यादा रुचि नहीं लेते थे। अभी भी आप ग्रामीण क्षेत्र में जाओ तो 2000 रुपये का ग्राहक नोट लेने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसको मार्केट में चलाने में 2000 की नोट की बहुत बड़ी समस्या होती है। जैसे कि काफ़ी समय से उस 2000 के नोट को सरकार ने छापना बंद कर दिया था, लेकिन अब उन्होंने नया सर्कुलर अपना जारी किया गया है, जिसमें लाभ लिखा हुआ है कि 2000 के नोट सर्कुलेशन से बाहर होंगे, RBI वापस लेगा, 30 सितंबर तक बैंकों में बदल सकेंगे अपने 2000 के नोट। जी हाँ, बंद करने का मतलब ऐसा कोई ऐलान नहीं किया है कि अभी आपका 2000 का नोट बंद हो गया कि कल से आपका 2000 का नोट नहीं चलेगा। आपका 2000 का नोट चलेगा, 30 सितंबर तक आपको टाइम दिया हुआ है RBI ने। आपके पास जो भी 2000 का नोट है वो आप अपने अकाउंट में जाकर जमा कर सकते हैं, और अकाउंट में जमा नहीं करना चाहते हैं और आपको पैसा चाहिए तो भी आप बैंक में जाके अपना 2000 रुपये के आपके पास जो नोट पड़े हुए हैं आप बैंक में जाइए, और बैंक में जाने के बाद वहाँ से आप एक्सचेंज कर सकते हैं। 500 के नोट, 100 के नोट, 200 के नोट में आप वो नोट को एक्सचेंज भी कर सकते हैं, जिसके उन्होंने समय सीमा दे रखी है 30 सितंबर तक। जी हाँ, अभी उन्होंने जो फिलहाल किया है वो क्या किया है कि अब RBI कोई भी बैंकों से 2000 रुपये का लेन देन नहीं करेगी, मतलब कि बैंक में अब 2000 रुपये का किसी प्रकार का कोई भी कैश नहीं आएगा, बैंक के द्वारा भी 2000 रुपये का कोई भी कैश नहीं दिया जाएगा। केवल उसका क्या होगा, उसको अदला बदली होगी, आप 2000 का नोट ग्राहक से लेगी और उसके बदले में उसको दूसरा नोट देगी। बैंक अब RBI बैंक को कोई भी 2000 का नोट नहीं देगी, और ना ही बैंक ग्राहक को अब 2000 का नोट देने वाला है। तो ऐसे में अभी काफ़ी समय है, 30 सितंबर काफ़ी लंबा समय है, तब तक आपके पास जो भी 2000 के नोट हैं आप उन्हें एक्सचेंज करा लीजिए, जिससे कि आपको आने वाले समय में दिक्कत ना हो। आगे सरकार का क्या निर्णय हो वो आगे पता चलेगा, लेकिन फिलहाल जो सरकार द्वारा RBI के द्वारा सर्कुलेशन जारी किया गया है कि RBI ने बैंकों से 2000 के नोट का लेन देन बंद कर दिया है, बैंक को किसी प्रकार का कोई भी 2000 का नोट नहीं देगी, और कस्टमर से भी 2000 रुपये का लेन देन बैंक नहीं करेगी। इसलिए अब जो भी 2000 के नोट आपके पास पड़े हुए हैं वो आप जल्द से जल्द अपने अकाउंट में जमा कर सकते हैं या बैंक जाके एक्सचेंज कर सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉच।